बढ़ेंगे आगे। मिक्स मार्शल आर्ट में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाली महिला खिलाड़ी अपने आर्थिक तंगी से जूझ रही है। इतना ही नहीं, आगामी अगस्त में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के लाहौर में होने जा रहे प्रतियोगिता में चयन होने के बाद भी आर्थिक परेशानी टैलेंट के बीच पहाड़ जैसी समस्या बनकर खड़ी हो गई है, जिसे दूर करने के लिए मुस्कान दर दर भटक रही है। और इस बीच उनके संघर्षों को लेकर एनडीटीवी की टीम ने मिक्स मार्शल आर्ट खिलाड़ी मुस्कान रात्रे से बातचीत की है। भारत सरकार के द्वारा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के कहते प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं जो अपनी आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं और उनको एक पहचान नहीं मिल पा रहा है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह से अपने प्रतिभा को विश्व पटल पर परिचित नहीं कर पा रहे हैं। जी, अपना परिचय बता देंगे पहले। जी, मेरा नाम मुस्कान रहते हैं, मैं जांजगीर चांपा कुटमुसना की रहने वाली हूँ। मैं अपने जो ट्रेनिंग है वो बिलासपुर में करती हूँ, और अभी तक ने मैंने अभी तक मिक्स मार्शल आर्ट के अलावा किक बॉक्सिंग, मॉय थाई बॉक्सिंग और K1 जैसे फाइट खेली है। कहाँ कहाँ अपने अपने प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं, किस तरह के अपने जीत? जी, अभी तक मैंने जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय पे भी पार्टिसिपेट किया है, और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय पर भी मेरा नाम का सिलेक्शन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका सिलेक्शन हुआ है, तो क्या किस तरह की समस्याएं हो रही है आपको? तो जी, एक्चुअली मैं ये हम लोग MMA मिक्स मार्शल आर्ट खेलते हैं, और हमारा जो गेम है वो प्राइवेट गेम है, जिसकी वजह से हमको आर्थिक रूप से सहायता सरकार के द्वारा नहीं प्राप्त हो पाती, और ऐसे स्थिति में हमको अंतर्राष्ट्रीय गेम खेलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई की सामना करना पड़ता है। आपने इस समस्या के लिए किन लोगों से सहायता की अपील की, क्या चाहते हैं आगे? जी, मैंने अपने क्षेत्र के विधायक जी से अभी तक बात किया है, जिनका आश्वासन रहा है कि हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे करके, और अभी तक वहाँ से अभी कोई ऐसा न्यूज़ नहीं आया है कि ये कंफर्म है करके। आगे आप इसमें क्या चाहते हैं, किस तरह का सहयोग चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं शासन प्रशासन से? जी, मैं चाहती हूँ हमें जितना अच्छा हो सके उतना आर्थिक सहयोग प्राप्त हो, और आगे चलकर हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आर्थिक के कारण, आर्थिक सहयोग ना मिलने के कारण वो अच्छे से खेल नहीं पाते। तो मेरा यही मानना है कि अगर हमें अच्छे से आर्थिक सहयोग प्राप्त हो और बाकी सभी को प्राप्त हो, तो वो आगे चल के अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं।